नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में सड़कों को लेकर। बिहार में सड़कों पर सबसे ज़्यादा काम हुआ है। प्रदेश में अगर हम सड़कों के काम की ही बात करेंगे तो इसमें बिहार का स्टेट हाईवे के साथ साथ नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ काम जो है सबसे ज़्यादा हुआ है। इसके बाद जो काम हो रहा है और आगे आने वाले दिनों में जिन पे काम होना है वो है ग्रामीण सड़कें, जो कि मेन सड़क से जुड़ती है। बिहार सरकार ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। बिहार में इन दिनों नेशनल हाईवे के साथ साथ एक्सप्रेसवे पर भी काम चल रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करीब 270 किलोमीटर लंबाई में ग्रामीण इलाकों को अगले साल तक बेहतर बनाने का काम चल रहा है। उसको लेकर प्रोसेस की शुरुआत कर दी गई है, इसको लेकर तैयारी भी शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी PMGSY की सड़कों के मेंटेनेंस को लेकर करीब 1239 करोड़ रुपए की लागत से इसको जो है मेंटेनेंस का काम जो है किया जाएगा। इसके तहत 25 जिलों की सड़कों को मरम्मत किया जाना है। ऐसे में अब सड़क निर्माण को लेकर एजेंसी का चयन किया जा रहा है, जिससे कि सड़कें बेहतर हो सके। इस पूरी खबर में दो बड़े अपडेट हैं। एक तो ये कि जहां नई सड़कें नहीं हैं, यानी कि एकदम सड़कें नहीं हैं और वो मुख्य सड़क से नहीं जुड़ पा रहा है वो गांव, उन पंचायतों को जो है मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा इसी पैसे के तहत। और दूसरा, जहां पे सड़कें तो हैं लेकिन बाढ़ के कारण या फिर दूसरे अन्य कारणों से जो है उन सड़कों की स्थिति खराब हो गई है, वहाँ पर भी जो है मेंटेनेंस का काम जो है इन्हीं पैसों से किया जाना है। सड़कों के निर्माण को लेकर जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि नई सड़कों के निर्माण और पुराने सड़कों के मेंटेनेंस का काम जो है किया जाएगा। इसके तहत बाढ़ के दौरान जो सड़कें खराब हो गई उसको लेकर भी मेंटेनेंस किया जाना है। इस दौरान सड़क पर बने गड्ढों को भरा जाएगा, उसको मरम्मत किया जाएगा। साथ ही साथ इसको लेकर नई तरीके से पिचिंग भी की जाएगी। अब बताया तो यह भी जा रहा है कि नई सड़कों के निर्माण कार्य में अगले महीने से जो है इसकी शुरुआत करने का लक्ष्य जो है बिहार सरकार ने रखा है। साथ ही साथ 2023 तक जो है इन सारी सड़कों को पूरा कर लिया जाएगा। इसके लिए यह भी बताया जा रहा है कि नई सड़कों के निर्माण के दौरान इसकी चौड़ाई अब 3.75 मीटर से बढ़ाकर 5 मीटर कर दी गई है। इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसमें यह बताया गया है कि आर्थिक विकास में कृषि क्षेत्र में जो है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, यानी कि कृषि के लिहाज से जो है इसकी चौड़ाई जो है वो बढ़ाई गई है। क्योंकि अमूमन वनवे जो सड़कें होती हैं उसमें जाम जैसे हालात देखने को मिलते हैं, खासकर कि वो सड़कें हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जो है मेन सड़क से जुड़ेगी। तो ऐसे में किसानों को ना समस्या हो, इन सब को ध्यान में रखते हुए सड़कों की चौड़ाई में जो है बढ़ोतरी की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में 6162.50 किलोमीटर की लंबाई जो है सड़कों का विस्तार किया जाएगा। इन सड़कों के चौड़ीकरण 2025 तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश के लगभग जिलों में सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना है। तो एक तरह से कह लें कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बिहार की सड़कें जो है अब सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और शहरों की ओर जो है वो जाने का रास्ता यहां से खुल जाएगा। इसमें से करीब 2172 किलोमीटर लंबाई में करीब 280 सड़कों का निर्माण 1603 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाना है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि इसका DPRO बनकर तैयार हो गया। साथ ही साथ इसके निर्माण कार्य की भी शुरुआत की बात जो है वो कही जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों में से 60% हिस्सा जो है वो केंद्र सरकार अपने हिस्से से पैसे देगी और 40% की राशि जो है वो राज्य सरकार को देनी है। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बिहार में जिस तरह से हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है उसी तरह से अब ग्रामीण इलाकों की सड़कें जो कि मेन लाइन से जुड़ जाएगी वो अब बेहतर होगी। अब ग्रामीण इलाके को लोगों को शहरों तक आने में ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़ेगा। अगर हम बिहार सरकार की ही बात कर लें तो बिहार सरकार जो है पिछले कुछ सालों से जिस तरह से अपनी पीठ सड़कों को लेकर थपथपा रही है, उसमें बिहार सरकार जो है लगातार ये दावा करती है कि आप जो है राजधानी पटना अपने जिला मुख्यालय से 5 घंटे या फिर 6 घंटे के तहत जो है आप आ सकते हैं, या फिर दिन भर में जो है अपना काम करवा कर राजधानी पटना से अपने जिला मुख्यालय या फिर अपने घर जो है आप पहुंच सकते हैं। तो इस तरह के जितने तमाम दावे जो है बिहार सरकार अगर करती है या फिर तमाम सभाओं में जिस तरह का जिक्र किया जाता है मुख्यमंत्री या फिर संबंधित मंत्रियों के द्वारा, उन सब के पीछे यही तर्क है कि बिहार की सड़कें जो है पहले से बेहतर हुई है, अब लोगों को आवागमन में ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में जिस तरह से ग्रामीण सड़कों को मेन सड़क से जोड़ने की बात कही जा रही है, यह भी जो है एक इस दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो ये थे बिहार की सड़कों से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।